सच्चिया मोहब्बत आने ना मांगा राजिया मैं तेरा कहलावांगा एक बारी दिल लग जाने दे दिल दा करार बन जावांगा दिल जानी है मन जी लेंगे को लव से मोहब्बत रखे लेंगे दर्द वो काफी ना था जो दर्द देने आए हो सांसे ही बची है मुझमें क्या जान लेने आए हो क्योंकि तुम भी हो अब तुम भी हो बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये कमेंट करके बताओ कि ये वाला लुक कैसा लग रहा है, कैसा टर्न आउट हुआ है। ओ माय गॉड गाइस, पास से देखो ये लुक कितना ज्यादा फ्लॉलेस लग रहा है। यू कैन सी ये जितना लग रहा है ना डिफिकल्ट उतना ही ज्यादा ईजी लुक है। मैंने बिल्कुल इसमें ना कोई भी बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं जो दो चार जो फॉलो करने हैं, बट गाइस ट्रस्ट मी इतना सुंदर लग रहा है। आप आई लुक देखो, मतलब किसी प्रोफेशनल से कम लग रहा है क्या? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा मेकअप सीखती जा रही हूँ धीरे धीरे। और बाय द वे ये मैंने हरियाली तेज का लुक किया है। इसको आप किसी भी फंक्शन पार्टी शादी किसी भी अच्छे से अच्छे शादी में भी जाके ये लुक क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही सुंदर लग रहा है, ट्रस्ट मी गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने लेंस ग्रे कलर के वियर किए हैं, तो मतलब इंडियन लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट लुक आज मैंने क्रिएट किया है। आप लोगों को पसंद आया ना तो डेफिनेटली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे यकीन नहीं होता कभी कभी कि मैं भी इतना अच्छा लुक क्रिएट कर सकती हूँ, बट यार मैंने ही किया है। बहुत ही सुंदर सा मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा स्लीक बन बांधा हुआ है। कि आप सब लोग ये बन तो बहुत इजी है, डेफिनेटली आप लोग कर ही लेंगे। और जस्ट मैंने गजरा लगाया है, साड़ी वेयर की है, साड़ी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनारसी है। बनारसी के साथ गोल्ड कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वीडियो को फुल वॉच करना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे मैं सबसे बात भी करती हूँ और बहुत अच्छी अच्छी रील्स भी डालती हूँ। आज ना मुझे आई लुक बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा है, मतलब बहुत ही सिंपल है आई लुक बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है। ओके, सारी बातें हम करेंगे वीडियो के अंदर। मुझे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। ओके, सबसे पहले सबको हैप्पी हरियाली तीज, ऐसे ही बोलते हैं ना, मुझे पता नहीं है तो मैं बता दे रही, हैप्पी हरियाली तीज मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, पिंक हार्ट मुझे कमेंट करना। ओके, तो इफ यू लाइक माय कंटेंट सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, यहाँ पे हम अपने लेंस लगा लेंगे। मैं आ गई हूँ वॉइस ओवर में, सिल्वर ग्रे कलर के मैं लेंस लगा रही, सॉरी कंफ्यूज हो रही थी। लैक्मे एब्सोल्यूट का मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। टोनर काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है। टोनर लगाने से आपके जितने पोर्स होते हैं ना मिनिमाइज हो जाते हैं। मामा अर्थ की हनी मलाई वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छी सी क्रीम है, फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है और बिल्कुल डीपली जाके मॉइस्चराइज करती है। ठीक है, मॉइस्चराइज कर लोगे ना तो काफ़ी आपका फेस भी अच्छा फ्लॉलेस बनेगा। बेस देखना, काफ़ी फ्लॉलेस बनेगा। आपने मेरी फ़ोटोज़ में देखा ही, मेरी वीडियो में देखा, बहुत ज़्यादा आज का मेरा बेस फ्लॉलेस था। मैंने माय ग्लैम का टिंटेड बनाना प्राइमर लगाया। गाइस इसमें ना थोड़ा सा टिंट भी है और आपके जो भी पोर्स होते हैं ना उसको ब्लर कर देता है, फिल कर देता है, तो उसके बाद जो आपका बेस होता है ना लंबे समय तक टिका रहता है। नायका और मेबलिन दोनों को मिक्स करके मैंने अपने शेड का बनाया। और आज ना मैं इसको ब्रश की हेल्प से पहले मैं फैला रही हूँ, ठीक है, पूरे फेस में। उसके बाद मैं ये है मिनीसो का ब्यूटी ब्लेंडर, उसको मैं गीला करके स्क्वीज आउट करके उसके बाद मैंने अच्छे से कर लिया ताकि बिल्कुल फेस में
कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए, कुछ रह ना जाए, और बिल्कुल बेस होता है ना फट जाता है लाइक केक हो जाता है, वो ना हो, ठीक है। उसके बाद मैंने मेबलिन का जो फाउंडेशन था वो शेड बहुत ज़्यादा लाइट था, उसी को मैंने एज ए कंसीलर लगा लिया, मेरे डार्क सर्कल छुप गए। रेने का यहाँ पे मैंने लिया था फेस पाउडर, उसको मैंने उससे अपने पूरा बेस को अच्छे से सेट कर लिया है। पर्पल के यहाँ पे मैंने ली है आईब्रो पैलेट, उसमें ना मैंने लाइट ब्राउन शेड लेके अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर रही हूँ, ठीक है। आईब्रो मैंने आज ही बनाई थी, तो बहुत ही ज़्यादा मैंने बनाई थी, उससे बॉम्बे शेविंग के फेशियल रेजर से बना लेती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर बहुत ही कम जाती हूँ, तो इस वजह से। अर्बन चॉइस बाय इन कलर की मैं आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, और एक पॉइंटेड ब्रश ले रही हूँ, और ये तो लोकल ब्रश ही है, ऐसे मेरे पास पहले से रखा हुआ था। उससे मैंने पिंक कलर लेके जस्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ फ्लफी ब्रश, उसमें मैंने लिया क्रीम कलर, ये है रेने की आई शेडो पैलेट, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन वाली आई शेडो पैलेट है, और उसको फिर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद क्या होता है ना, कोई भी हार्श लाइन नहीं रह जाती है, और बहुत ही ज़्यादा वो लाइन लाइन जैसा नहीं नज़र आता है। जैसे ही मैंने कलर लगाना स्टार्ट किया गोल्डन कलर शिमर, उतने में लाइट चली गई। फिर मैंने यहाँ पे वही रहने की पैलेट से गोल्डन शेड लिया, वो लगाया शिमर, और उसके बाद पिंक कलर लेके आईज़ के नीचे स्मच कर लिया। L18 का मैं ले रही हूँ काजल। काजल लगाने से ना यार अलग ही लुक आ जाता है, आँखें बड़ी बड़ी सी लगती हैं, और आज ना ये वाला ग्रे कलर लगाया ना मैंने लेंस का, बहुत प्यारा लग रहा था, और मैं गाने भी सुनती जा रही थी। गेस करो मैं कौन सा गाना सुन रही थी, बहुत ही प्यारा, मेरा फेवरेट गाना है। NYB का मैंने कॉन्टोर लिया, छोटा सा कॉन्टोर था मैं दिखाना भूल गई, अच्छे से मैंने कॉन्टोर कर लिया। कॉन्टोर ज़रूर कर लिया करो, आपका फेस थोड़ा सा चिजल दिखता है, पतला दिखता है, फेस को डायमेंशन मिल जाती है, बहुत ज़्यादा वाइट वाइट नहीं लगता है, थोड़ा कट मिल जाता है। केप लेकर मैंने रेस्पबेरी ब्लश लिया, रेस्पबेरी इसका शेड था, बहुत ही ज़्यादा कोरल टाइप का शेड था, अच्छे से मैंने लगा लिया, और मैंने ना कॉन्टोर के ऊपर ही लगाया, ठीक है, चीक बोन्स में, लाइक मैंने एप्पल ऑफ द चीक में नहीं लगाया, बहुत भर भर के नहीं लगाया, ठीक है। प्रोफेशनली मैं वर्क करने की कोशिश करती हूँ, मतलब कि मैं प्रोफेशनल टाइप का कर सकूँ। मैंने यहाँ पे पर्पल का लाइनर भी लिया था, जेल लाइनर, काफ़ी टाइम हो चुका है, आप देखते आ रहे हो, और यू कैन सी अभी तक सूखा नहीं है, बहुत ही प्यारा, एकदम ब्लैकेस्ट ब्लैक है, तो मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है, ठीक है। इनसाइड का मैंने यहाँ पे सेटिंग स्प्रे लिया, पूरा फेस अच्छे से सेट किया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैंने हाइलाइटर किसका लगाया मुझे याद नहीं आ रहा है गाइज। यस, बाय द वे मार्स का मैंने हाइलाइटर लगाया था, गोल्डन शेड था, और फिर लिपस्टिक में मैंने पहले मामाअर्थ की लगाई रेस्पबेरी स्कारलेट, फिर उसके बाद मनीष मल्होत्रा वाली लगाई थी, इसका शेड था वाइल्ड क्वीन, बहुत ही सुंदर सा रेड शेड है, यू कैन सी कितना ज़्यादा ग्लॉसी सा लग रहा है। अब यहाँ पे मैं स्लीक बन बांधूंगी, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, मैंने सबसे पहले चोटी कर ली, और चोटी के बाद पूरा अच्छे से जूड़ा करके, और उसके ऊपर मैंने जूड़ा पिन से सिक्योर कर लिया, ठीक है। मैंने वीडियो इसलिए फास्ट में रखी है क्योंकि आप लोग को भी बहुत ज़्यादा बोरियत ना लगे, दैट्स वाई, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बन लिया, बन नहीं था वो, गजरा था, गजरा आर्टिफिशियल, वो मैंने उसको भी सेट कर दिया, सिक्योर कर देना तो आप लोग बिल्कुल लाइक आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब मुझे इसमें ऐसा था कि मैं ना इसमें कोई गोल्डन कलर का नेकलेस पहनूँ ऐसा टाइप का, तो मैंने इसमें ये वाला नेकलेस पहना है, ये बाय द वे अमेज़न का है, इसके ये झुमके हैं छोटे छोटे, बहुत ही प्यारे से, और लुक गाइस बहुत ही सुंदर हुआ था, ट्रस्ट में, इतना फ्लॉलेस बेस लग रहा है ना आज का। और मैंने छोटी सी बहुत ही प्यारी सी बिंदी लगाई, ये छोटी नहीं थी, मीडियम साइज़ की, पिंक कलर की, हाथ में मैंने बैंगल्स पहने, और दिस इज़ माय फाइनल लुक गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट मी।